हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये वाला पैटर्न, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे को देखोगे आप ये किस तरह से मैंने बनाया है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ ये कितनी रो में आया है। ये 10 रो में एक पैटर्न बनता है, और इसके बैक साइड से भी हम पैटर्न बनाएंगे और फ्रंट साइड से भी, दोनों साइड से हम पैटर्न बनाएंगे। और ये जो पैटर्न है ये दो दो हिस्सों में है। एक पैटर्न हमारा ये वाला है, जो कि हमारा हर पैटर्न के बाद चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये और ये और ये एक जैसे हैं, और ये दो ये पैटर्न एक जैसे हैं। तो पहले ये पैटर्न बहुत आसान है, 4 फंदों में बनता है, और ये वाला पैटर्न 12 फंदों में बनता है, फिर 4 फंदे 12 फंदे। तो इस तरह से आप मल्टीपल इसको कर लीजिए तो आपका एकदम करेक्ट बैठेगा। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो 120 फंदे लगते हैं एक्सेल के लिए, बैक पार्ट में 120 फंदे लगेंगे। 7 ये वाले पैटर्न आएंगे, 7 पैटर्नों से बनेगा, तो 120 फंदे लगेंगे। वैसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। आप ये कीजिए 4 प्लस 12, जैसे 4 का पैटर्न ये है और 12 का पैटर्न ये है, 4 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 12, तब तक कीजिए जितने जब तक आपके फंदे पूरे नहीं हो जाते। जैसे कैलकुलेटर में आप करेंगे तो नीचे से आंसर आता रहेगा प्लस, जैसे 4 में हम प्लस करेंगे 12 तो 16 हो जाएंगे, फिर 4 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे। इस तरह से आपके नीचे से जितने फंदे चाहिए उतने आपको कैलकुलेट करके उसमें मिल जाएगा। एक्स्ट्रा में आप 2 रख लीजिए, 2 से ज़्यादा मत रखें। अगर आपके और एक्स्ट्रा हो रहे तब रखें, नहीं तो आप 2 ही इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और अगर आप इसको पूरे उसमें डालेंगे, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर रहे हैं तो पूरे में डालेंगे, तो आपको बुनाई को इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आर्म होल बनाते हैं या गले की कटिंग करते हैं तो ये जो है पैटर्न जो है वो कट जाता है। तो आपको आधा पैटर्न कैसे बनाना है या आधे पैटर्न की जगह पर क्या बनाना है, ये आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से ये 40 फंदों में मैंने बना रखा है, तो 40 फंदे ले लीजिए और इसी तरह से दो दो बार पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। मैंने 4 पैटर्न बनाए हैं, आप 5 या 6 पैटर्न बनाएंगे, और हो सकता है आपको दो पैटर्न बनाने में ही समझ में आ जाए। नहीं आए तो 3 पैटर्न बनाइए, 4 पैटर्न बनाइए। जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाता कि पैटर्न को बैठाया कैसे गया है और कितने फंदे अगर हमारे कटिंग में आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा फंदों का हम क्या करें, तभी आप इसको किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे 2 पैटर्न मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको बताती हूँ मैं पैटर्न कैसे चलेगा। शुरू में मैंने रखे हुए हैं 2 सीधे। शुरू में अगर आपके एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं उनको या तो सीधे कर लीजिए या तो उल्टे कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। एक भी हो सकता है एक्स्ट्रा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शुरू में एक्स्ट्रा 2 किए हैं, और पैटर्न होता है यहाँ से शुरू। पहला फंदा हम बनाएंगे उल्टा। उल्टा फंदा बनाने के बाद धागा इस तरह से घुमा लेंगे। धागा घुमाने के बाद 1 और 2, 2 फंदों का 1 कर लेंगे उल्टी तरफ, और फिर 1 फंदा उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पैटर्न तो ये आ गया। अब आएगा ये वाला पैटर्न। तो इसके लिए क्या करना है हमको, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे सीधे रखने। ठीक है, 4 फंदे सीधे सीधे रखने के बाद 2 फंदों का इस तरह से हम 1 कर देंगे, 2 फंदों का 1 करने के बाद हम धागे को ऐसे घुमाएंगे कि घूम के ये पीछे साइड आए। ठीक है, हमको घुमाना कितनी बार है, 2 बार, 1 और 2। 2 बार घुमाने के बाद ये हम पलट लेंगे, ये वाला फंदा हम पलट लेंगे। फंदा पलट लिया और 2 फंदों का 1 कर लिया। ठीक है, 2 फंदों का 1, उसके बाद वापस 4 सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर ये शुरू वाला पैटर्न आएगा वापस, 1 उल्टा, धागा लपेट लेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे उल्टी साइड, फिर 1 उल्टा कर लेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे फिर सीधे, 1 2
तीन और ये चार, चार फंदे फिर सीधे कर लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, दो फंदों का एक करना है, इस तरह से दो फंदों का एक कर लीजिए और फिर धागा लपेट लीजिए। देखिए इस तरह से लपेटना है, एक दो, दो बार लपेट लेना है। फिर इस फंदे को पलट के, ये फंदा जो बाद में दो का एक होगा वो बार बार पलटा ही जाएगा, उसको सीधा कर लेंगे फंदे को और दो फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदों का एक कर लिया, फिर चार हमारे, एक दो तीन और ये चार, इसी तरह से हमारे फिर तीन होंगे, फिर दो होंगे, फिर एक रह जाएगा, इसी तरह से पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो पहले हमारे चार फंदे सीधे रह गए हैं और लास्ट पैटर्न हमारा वही बनेगा, एक उल्टा धागा लपेट लेंगे, दो फंदों का एक और एक उल्टा, लास्ट के दो फंदे, तीन फंदे, जितने भी फंदे हैं उनको आप सीधा कर लीजिए। सेकेंड रो में आ गए हैं, दो एक्स्ट्रा हैं उनको उल्टा बना लेंगे और एक सीधा बनाएंगे, धागा इस तरह से लपेट लेंगे एक बार और दो फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा बना, ये बन गया। अब आते हैं हम जो बीच वाला है पैटर्न, उस पे एक दो तीन, पहले हमने चार बनाए थे पहले ही रो में, अब हम उल्टी रो में तीन बनाएंगे, उल्टे जो कि हमारे सीधे थे वो उल्टे बनेंगे और इन दोनों का एक करेंगे। अब इन दोनों का एक कैसे करेंगे, हम इनको पहले थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बना लेंगे, फंदे बड़े बन जाएंगे थोड़े से, और सलाई को इधर से लेके उल्टा बनाना है ऐसे, ये दो का एक, दो का एक करने के बाद इस तरह से लपेटेंगे कि धागा आगे को आ, इधर को पीछे को आ जाए। कितनी बार लपेटेंगे हम, दो बार, एक बार हमने लपेट लिया, फिर दूसरी बार फिर लपेटेंगे, ठीक है। दो बार लपेटने के बाद जो हमने पहली रो में लपेटा था उसको हम खोल के छोड़ देंगे, खोल के छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एक करेंगे इस तरह से, बस ये कर लिया। उसके बाद हमारे तीन उल्टे, ये वाला पैटर्न दूसरी रो का कंप्लीट हो चुका है। और जो ये किनारे पे आ रहा है, किनारे वाला पैटर्न है, फिर बीच वाला पैटर्न है और एक किनारे वाला पैटर्न है, ये एक ही है। तो इसको उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, एक सीधा करेंगे, धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, धागा लपेट लिया, दो फंदों का एक कर लेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब फिर वही इस वाला ये पैटर्न पे फिर आ गए हम, दो बार आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीन उल्टे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन उल्टे बनाने के बाद इस तरह से पहले हम, या तो आपके फंदे ढीले हैं तो कोई बात नहीं, अगर ढीले नहीं हैं तो इस तरह से करके आप ढीले कर लीजिए, क्योंकि इधर से जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा अगर ढीले नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से उल्टा ही बना लेंगे, ये बन गया दो का एक, और ये खोल लेंगे जो हमने दो बार लपेटा था। खोलने के बाद इसमें लपेट लेंगे हम एक और दो बार, दो बार लपेटने के बाद इन दो फंदों का करेंगे हम एक, फिर तीन हमारे उल्टे आएंगे। लास्ट वाला पैटर्न, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके एक बार लपेट लेंगे, लपेटने के बाद दो फंदों का एक कर लेंगे और धागा पीछे करने के बाद एक सीधा कर लेंगे, और ये दो हमारे एक्स्ट्रा हैं जिनको हमने सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बनाया। तो दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से आएगा। तीसरी रो में हमने क्या करना है, ये जो पहला बीच में और लास्ट में ये जो पैटर्न है ये सेम आएंगे, हमेशा एक जैसे ही आएंगे, उल्टी साइड उल्टे में और सीधी साइड सीधे में जैसा आ रहा है वैसे ही आएंगे। दो एक्स्ट्रा ले लिए थे हमने, धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे
और इस तरह से धागा लपेट लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक, सॉरी, धागा आगे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, उल्टा कर लेंगे। ठीक है, पहले चार थे, फिर पीछे बैक साइड में तीन आए, अब हमारे सिर पर दो फंदे बचते हैं। यहाँ पे सीधे दो फंदे सीधे कर लिए हमने और दो फंदों का हम एक करेंगे। इस तरह से दो फंदों का एक कर लिया और जो लपेटा हुआ था उसको खोल लेंगे, फिर से हम लपेट लेंगे। इस तरह से लपेटेंगे कि धागा पीछे जाए। ये देखिए, एक दो, धागा पीछे चला गया और दो फंदों का एक करेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है, ये वाला फंदा हमको इस तरह से बदल लेना है और दो का एक हो गया। अब एक और दूसरा, दो सीधे रह गए, पहले तीन, पहले चार थे, फिर बैक साइड में तीन आए और फ्रंट साइड में अब दो आ गए। तीसरी सिलाई में दो रह गए। अब वही हमारा फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो आएगा। उल्टा करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा लपेटेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे, फिर उल्टा ही आ जाएगा एक फंदा। फिर वही पैटर्न हमारा दूसरी बार आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सीधा और दो सीधा, दो सीधे आ गए, दो फंदों का एक कर लेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे, जो हमने लपेटा था उसको खोल लेंगे और एक बार फिर ऐसे लपेटेंगे कि ये धागा पीछे साइड आ जाए। ये देखिए, इस तरह से लपेट लिया हमने, धागा पीछे आ गया और ये फंदा घुमा देंगे इस तरह से, घुमा दिया हमने और इन दो फंदों का एक कर देंगे और लास्ट में बचे दो सीधे। लास्ट वाला पैटर्न फ्रंट साइड में तो उल्टा आएगा, बैक साइड में ये सीधे आ जाएंगे। एक उल्टा, धागा घुमा के लपेट लिया हमने एक जाली के लिए और दो फंदों का एक कर लिया और एक उल्टा बना लिया और दो ये एक्स्ट्रा हैं उनको हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। तो तीसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, तीसरी रो में इतना आ गया, यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब चौथी रो आएगी हमारी। चौथी रो में भी जैसे सेम हमने दूसरी रो में किया था वही करना है। उल्टे दो एक्स्ट्रा जो थे वो उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और धागा लपेट लेंगे कि वो आगे आ जाए। इस तरह से लपेट लेंगे और दो का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब एक ही फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब वही हमारा आएगा। इन दो फंदों को हम खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद ये देखिए, इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, दोनों को इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए बन गया, और जो लपेटा धागा था उसको भी खोल लेंगे और फिर से लपेट लेंगे। लपेटेंगे ऐसे कि धागा आगे आ जाए, एक दो, सिर्फ दो बार लपेटेंगे और फिर इन दोनों का एक कर देंगे। अब हमारा सिर्फ एक उल्टा रह गया और फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वही हम इसको बनाएंगे। एक सीधा, धागा आगे करेंगे, एक बार लपेट लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक उल्टा बना लें। ये पैटर्न बीच का आ गया। फिर हमारा वही ये वाला पैटर्न आ गया है। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, एक उल्टा आएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, दो का एक करेंगे, लेकिन तरीका इस तरह से होगा, इस तरह से लेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे ऐसे, और लपेटा वाला खोल लेंगे और धागा लपेट लेंगे ऐसे कि इस तरफ आ जाए, धागा इस तरफ आ जाए। देखिए, दो बार लपेट लिया, इन दोनों का भी हम एक कर देंगे और एक उल्टा रह गया। ठीक है, अब धागा सीधे करेंगे, एक सीधा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे इस तरह से, दो फंदों का एक करेंगे और धागा पीछे करके एक सीधा कर लेंगे। पैटर्न खत्म हो गया और दो उल्टे जो एक्स्ट्रा में आ गए। ठीक है, चार रो कंप्लीट हो चुकी है, अब पांचवी रो हमारी आएगी। तो चलिए बनाते हैं।
दो सीधे एक्स्ट्रा में, एक उल्टा धागा घुमा लेंगे, लपेट लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, फिर उल्टा आएगा एक फंदा, ठीक है। अब इन दोनों का एक कर लेंगे, लास्ट फंदा रहा हुआ है, दो फंदों का एक कर लिया, लास्ट देखिए कंप्लीट हो चुका है। पहले चार थे, फिर तीन, फिर दो, फिर अब लास्ट में एक था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और जो ये हमने लपेटा, इसको खोल देंगे, फिर से एक बार इस तरह से लपेटेंगे कि धागा पीछे जाए, साइड चले जाए। एक दो, लपेट लिया, फंदे को इस तरह से पलट लेंगे, फंदा पलटने के बाद इन दोनों का एक कर लेंगे। जब भी हम धागा पलटते हैं, उससे पहले दो का एक होगा। धागा लपेटने, जहां पे हम धागा लपेटते हैं, लपेटने से पहले दो का एक होगा, लपेटने के बाद भी दो का एक होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए, तभी ये चीज आएगी आपकी, जो ये चीज आई है, ये लपेटने के बाद हम दो का एक करते हैं तभी आएगा ये। अगर हम फंदा चेंज नहीं, फंदा यहाँ पे पलटेंगे नहीं जिसे पलट ले रहे हैं, तो इस तरह से जो सफाई आई है ये नहीं आ पाएगी, इसलिए पलटना जरूरी है। और उल्टा करेंगे, धागा लपेटने के बाद दो का एक करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ये वाला बीच में और लास्ट में, ये सारा एक जैसा ही है, एक ही पैटर्न है, तो बहुत ही आसान है ये पैटर्न। और थोड़ा सा ये बीच का जो पैटर्न है, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा। तो एक हमारा सीधा बचा है, तो एक ये वाला बचा है, तो इन दोनों को दो का एक कर देंगे इस तरह से, दो का एक कर देंगे, लपेटा हुआ धागा खोल देंगे, और धागा ऐसे लपेटेंगे कि ये धागा पीछे साइड आए। एक दो, सिर्फ दो बार ही लपेटना है, और इसको पलट लेना है ऐसे, फंदे को हम पलट लेंगे जरूर से, फिर दो का एक कर लेना है। और लास्ट वाला पैटर्न आता है हमारा, एक उल्टा धागा लपेट लिया, दो का एक उल्टी साइड, और ये भी उल्टा, लास्ट में दो हमारे एक्स्ट्रा। पांच रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आई सिक्स रो की बारी। छठवीं रो हम जब बना रहे हैं, वो है दो एक्स्ट्रा हैं, जो वो एक ऐसे निकाला, एक उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा बना लेंगे। अब आई बारी, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए ये सीधा हमको बना लेना है ऐसे, और ये खोल लेना है, ठीक है। कितनी बार, कितने धागे आए हुए हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए पाँच धागे आए हैं। तो अब हमको कितनी बार लपेटना है, लपेटेंगे ऐसे कि धागा इस तरफ आ जाए, एक दो तीन और ये चार, चार बार हमने लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, पांच के पांच जो हैं इसको ले लेंगे ऐसे, और ये बना लेंगे इसको ऐसे, और इसको फिर इस वाली सिलाई में लेने के बाद धागा आगे करेंगे और एक सीधा बना लेंगे, देखिए। फिर वापस एक बार और हम करेंगे, इसको बनाएंगे इसमें ऐसे, फिर हम लेंगे इसको इसी तरह से और बना लेंगे ऐसे, ये देखिए बन गया। एक बार और मैं बताऊंगी इस वाले में, अच्छे से देखना आप। फिर हम लपेटेंगे वापस तीन चार बार, एक दो तीन और चार, और देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, हमको लपेटना था आगे करके, ठीक है, जो कि धागा आगे आ जाए ऐसे लपेटना है। तो कैसे लपेटेंगे, एक दो तीन चार, चार बार लपेट लिया, ये उल्टा आ गया, ठीक है। अब धागा सीधे उल्टी साइड में होगा, ये जो मैं कर रही हूँ ये लास्ट वाला उल्टी साइड में होगा, तो इसमें धागा एक सीधा बना लिया, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, और दो का एक करेंगे और
धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे। ये है बीच का पैटर्न, फिर यही पैटर्न वापस आ गया। अच्छे से देख लीजिए आप, धागा आगे करेंगे एक उल्टा बना लेंगे, ठीक है। इसको खोल देंगे, ये हमारे धागे हो गए हैं पांच, 1, 2, 3, 4 और 5। तो धागा इस तरफ आने के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बार लपेट लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे लेंगे और दूसरी सलाई में ले लेंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे हम ऐसे। ये देखिए बना लिया, फिर इसको इस वाली सिलाई में लेने के बाद बना लेंगे सीधा। ये देखिए सीधा बन गया। एक बार और ले लेंगे हम यहाँ से, एक एक लूप निकाल लेंगे हम एक बार और, ये देखिए, और इसको भी सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस फंदे को भी हमने सीधा बना लिया, ठीक है। अब हम धागा लपेटेंगे ऐसे कि यह धागा आ जाए आगे। तो पहले तो हम आगे कर लेंगे और फिर अब लपेटना शुरू करेंगे 4 बार, 1, 2, 3 और ये 4। 4 बार लपेटने के बाद इसे हम उल्टा बना लेंगे और लास्ट पैटर्न आ जाएगा हमारा, एक सीधा धागा आगे और लपेट लेंगे दो फंदों का, एक फिर एक सीधा, ये आ गया और लास्ट में दो एक्स्ट्रा आ गए इस तरह से। ये देखिए 6, जो छठवीं सिलाई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब आ गए हम 7वीं सिलाई पे, दो हमारे जो शुरू के हैं उनको हम इसी तरह से बना लेंगे एक्स्ट्रा और पैटर्न शुरू करेंगे ये वाला, उल्टा बना लेंगे, धागा लपेट लेंगे, दो का एक करेंगे और इसको भी उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है बनाने की, एक, ठीक है। अब ये फंदे बनेंगे, अब हम ऐसे नहीं बनाना इनको, इसको ऐसे बनाना है। ये देखिए एक ऐसे लेंगे और इस सिलाई से ऐसे कर लेंगे, ये पीछे चला जाए, दो तीन, ये देखिए हमको लेना है इधर से ऐसे, ठीक है ऐसे। वो मैं इसलिए कर ले रही हूँ कि वो आ नहीं पा रहा, तो इस तरह से ऐसे कर ले रही हूँ मैं। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप यहां से ले लीजिए इस तरह से। चार, चार फंदे बनने ही बनने हमारे, ठीक है। बीच में जो दो लिए थे हमने वो दो एक्स्ट्रा हो गए, ये देखिए दो हो गए यहाँ पे। अब इनके भी 4 बनेंगे, इनको भी हम, अब ऐसे करने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि ये बिल्कुल लपेटा हुआ है, यहाँ हमारी जो नीडल्स है वो घुस नहीं पाती। तो इसमें क्या करते हैं, क्या करती हूँ मैं, ये और यहाँ से लिया और इसको इधर से कर दिया, एक सीधा निकल भी जाता है। आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे 4 बनाने, 2 सीधा, 3 सीधा और ये चौथा, 4 सीधे। 4 बार लपेटने इसलिए कि 4 आपके फंदे बन जाएं यहाँ पे। 4 फंदे बन गए और एक ये सीधा पांचवा। तो टोटल कितने फंदे हो गए आपके, एक ये है, 4 आपने बनाए थे, 2 ये हैं, 4 आपने बनाए थे, एक लास्ट हो गया। तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 फंदों का ये पैटर्न है। फिर वही बीच वाला पैटर्न कितने फंदों का है, सिर्फ 4 फंदों का, 1, 2, 3, 4। तो आप पैटर्न बैठाएंगे तो 4 12 4 12 इस तरह से मल्टीपल करके आप बैठा लीजिएगा। तो बस ये बीच वाला पैटर्न बनाएंगे, एक उल्टा धागा घुमा के लपेट लेंगे, दो का एक कर लेंगे और फिर एक उल्टा कर लेंगे। एक बार हम और देख लेते हैं इसको किस तरह से हमने बनाया। फर्स्ट वाला तो हमारा एक फंदा है ही है, अब ये 4 बार लपेटा है तो इसको 4 फंदे बनाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए, एक, दो, तीन और ये 4,
चार फंदे हो गए, बीच में हमारे दो फंदे, एक और दो, दो फंदे, और फिर हमने चार बार लपेटा है तो इसमें भी हमारे चार आ जाएंगे। एक, ये देखिए ऐसे घुमाना है, और ये वाली सलाई को हमको नीचे से लेके इधर से ले लेना है, ऐसे नीचे से ऐसे ले लेना है, ठीक है? ये अपने आप आ जाएगा ऐसे। दो, ये देखिए ये वाली सलाई से फंदा ऐसे करेंगे और ऊपर से ले जाएंगे, और पीछे वाली सलाई को इधर से लेंगे ये, ठीक है? इधर से लेंगे और बना लेंगे हम इसमें फंदा। तीन फंदे हो गए, एक फंदा और बनेगा, चार फंदे कंप्लीट हो गया है। लास्ट पैटर्न, एक उल्टा धागा लपेट लेंगे, दो का एक उल्टा बनाएंगे, एक दो सीधे। ये हमारी नाइन्थ, नौवीं सिलाई थी, ठीक है? अब लास्ट आ गए हम 10वीं सिलाई पे, जहां पे हमारा पैटर्न एक कंप्लीट हो जाएगा। तो दो उल्टे हमारे जो एक्स्ट्रा हैं वो बनाएंगे हम, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, दो फंदों का एक बना लेंगे, धागा पीछे एक सीधा, ये हो गया पहला। और ये हमको पूरा सीधा सीधा बनाना है, 12 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 फंदे हमारे सीधे सीधे बनेंगे। इसके ऊपर हमारा नया पैटर्न वही वाला, यही वाला आ जाएगा, और जो बीच बीच का पैटर्न है वो उल्टी साइड इसी तरह से बनेगा। एक सीधा, धागा आगे करके लपेट लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा पीछे करके एक सीधा बना लेंगे, ये उल्टी साइड में। फिर हम यहाँ पे 12 सिंपल बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है? 12 बन चुके हैं, और लास्ट वाला पैटर्न आएगा, एक सीधा, धागा पीछे लपेट लेंगे, दो का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक सीधा बना लेंगे, और जो भी हमारे एक्स्ट्रा हैं, दो तीन एक जितने भी हैं उनको बना लेंगे। ये देखिए पैटर्न हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा आपको पैटर्न कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।